के मर जाऊंगा साला। अभी भी गिर रहा है क्या पानी? पता नहीं, रेडिएटर साफ रखने के बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो भाई अभी जा रहा हूँ अपने साइट के लेबर्स को सामान चाहिए था, तार चाहिए लोहा बांधने वाला, और क्या बोलते हैं कुछ केमिकल्स जो रहते हैं ना वाटर प्रूफिंग का, तो उसके साथ में जो लगाने वाला मैश आता है वो चाहिए था। तो ये सारे चीज़ें अभी जो है अपन साइट के लिए खरीद के जाएंगे, क्योंकि प्रेमू भाई है अभी अपना खमाड़ी वाला साइट में, तो वहीं पे प्रेमू भाई के हाथ में दे देंगे तो प्रेमू भाई लेके चला जाएगा। और दूसरा क्या है, अपना खमाड़ी वाला साइट में जो है ना अपना रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और वहाँ पर बेस करना है DG, मतलब बड़ा वाला जो जनरेटर आता है ना रिलायंस और बहुत सारे कंपनीज़ का आता है, तो उसका जो कंपनीज़ का जो DG आता है, जो जनरेटर आता है, उसको रखने के लिए उनको बेस चाहिए, तो वो बना करके हमको देना है। तो उसी काम के लिए हमारा बंदे लोग अभी अपन वहाँ पे लगाए, तो चलो जाके देखते हैं ये सामान लेने के बाद ना वहाँ जाके देख लेते हैं कि लोग जो काम कर रहे हैं वो कैसा कर रहा है करके, और उनको बता के भी दे देंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा करना है करके, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा फिर क्या बाद में जाके दिक्कत चला जाएगा, इसलिए ना अपना अभी अब अपने तरफ से समझा देंगे भाई ऐसा ऐसा करना है करके। वैसे तो तबीयत खराब है इसलिए ज़्यादातर मैं रुकूंगा नहीं, वापस आ जाऊंगा इधर पे, और प्रिया को लेकर मेरे को जाना भी पड़ेगा वो वाला घर में, उन लोगों को वहाँ पे काम है करके बोल रहा है। तो चलो अपन चलते हैं जल्दी से और ये सब सामान ले लेते हैं। भाई अभी अपन अपना तार लेने का काम हो गया है और ये सामान है, तो इन दोनों को भी ले लिया। अब इसमें एक सामान और लेना बाकी है, वो है मुर्गा जाली। चलो थैंक यू, मैं क्या मुर्गा जाली भी ले लूँगा ना तो हो जाएगा काम। मुर्गा जाली लेना है वो भी कुछ 15 फीट 20 फीट लेना है, इतना काम बन जाएगा आपका। चीकू सुसु कर दिया रे, एक दिन में कितना टो कपड़ा चेंज करेगा चीकू? चलो तो ये जाम खा रहा है ना, इसको सर्दी हो जाएगा। तो सुसु क्यों किया है, सुसु क्यों किया, जाम मत खा। रूपा तो तुरंत दे दी, बोलती मैं तो किराए पे ले रही हूं, किराए पे। वो किराए पर चढ़ा रही है, वो बेचने का पर्पस पे नहीं है, चलो ठीक है मान गया। इन केस फ्यूचर में देखो कब मुसीबत आता है किसी को पता नहीं है, ना आपको पता था कि आपको घर चेंज करना पड़ा, ना मेरे को पता है घर चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। अचानक से हमको पैसे की भी जरूरत पड़ा, ठीक है, हम कहाँ जाएंगे, लोकल भी जाएंगे, पैसे की जरूरत हाँ। तो भाई 10 स्टॉक प्रॉपर्टी है तो भाई एक प्रॉपर्टी नहीं बिकने वाली है तो चलो समझ में आता है, अपने पास एक ही प्रॉपर्टी है और उसको भी बेच ही नहीं सकता आगे जाके तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहना सुबह देख रहे हैं कुर्सी लेके आ रहा अपना खड़े होके, दिन भर बनाती शाम को बनाती। अच्छा दिन भर खुला रहता है। ले चिको दे, पूरा जाम मत खाना चिको, उतना बस खा, ठीक है, ज्यादा मत खा। देख रहे सपोर्ट लेके वो खड़े रहते हैं ना जी को। अभी आया चलो। तो भाई अभी हम लोग जो है ना नगर निगम आया है, मैं और संदीप भाई, वो इसलिए आया है क्योंकि संदीप भाई को एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। वो ऐसा है कि 3-4 लाख रुपए में आपको घर मिल जाएगा, एक रूम 1 BHK वाला मिल जाएगा, लेकिन वो कल उनको पता चला था कि 1 BHK घर मिल रहा है तो वो हड़बड़ी में लेने जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, आज उन्होंने जाके घर देखा सब चीज़ें, घर तो ओके है, फ्लैट है, फ्लैट के अंदर फ्लैट वाला सेक्शन में ही है ये घर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, वहाँ पर ये एक बस प्रॉब्लम है कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। भाई अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो बेचेंगे ना, बिना बेचने वाला प्रॉपर्टी तो कोई थोड़ी ना खरीदता है, तो वो एक फंडा है, वो प्रॉब्लम है। तो अभी नगर निगम ऑफिस आया है, यहाँ का बंदे से बात करेंगे, अभी उनसे एक बार एग्जैक्टली डिटेल पता करेंगे। इंडिविजुअल घर रहेगा भाई, जिसको प्रॉपर्टी को बाद में बेच भी सके तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फैमिली में कभी भी इशू हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, किसी को ज़रूरत पड़ गया, तो भाई ज़मीन और जायदाद खरीद के इसलिए तो रखते कि काम ज़रूरत के टाइम पर काम आ जाए, अगर वो चीज़ नहीं हो पाएगा तो क्या मतलब। तो भाई जो प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो दे रहा था उस बंदे से हम लोगों ने बात किया, तो वो प्रॉपर्टी लेने का कोई मतलब नहीं है भाई, बाद में गवर्नमेंट अगर कभी तोड़फोड़ करना होगा तो उन लोग कभी भी आके तोड़फोड़ करेंगे, और उस प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते, दूसरे को किराए पे दे नहीं सकते, अगर देना भी है तो उनको बताना नहीं है, वैसा फलाना ढिमकाना दुनियादारी है, तो वो सब प्रॉपर्टी लेने का कोई मतलब नहीं है भाई। जैसे मेरे को अगर वहाँ अभी कभी मैं सोच रहा हूँ कि भैया मेरे को केरल चले जाना है या कहीं और जाना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, वो प्रॉपर्टी पकड़ के थोड़ी ना बैठ सकता हूँ, वो बेच के भी नहीं जा सकता, तो वो सब प्रॉपर्टी को लेने का कोई मतलब ही नहीं है, सस्ते में मिल जाएगा लेकिन वो नगर निगम का RD वाले का नहीं है, तो RD वाले का जैसे अपन इंडिविजुअल है अपने हिसाब से अपन तोड़ फोड़ करके बनवा भी सकते हैं, कभी अपने पास पैसा है तो अपन बनवा लो वाला हिसाब है, वो सब चीज़ें नहीं कर सकते यहाँ पर, तो इसीलिए भैया
अपना संदीप भाई भी वो प्रोग्राम जो है ना कैंसिल कर दिया है, नहीं लेना है अपने को, ऐसा करके बोल दिया है संदीप भाई ने। चलो अब चलते हैं साइट, और साइट में ये सामान छोड़ के आते हैं। भाई मैं पहुंच गया अभी अपना साइट, ये वाला। यहाँ पे देखो ग्रिल विल लग चुका है, अब इसके ऊपर का गैपिंग भर्ती करना है, और अपने को ये जो मैश वगैरह लाया है ना वो यहाँ पे यूज़ करने के लिए लाया है। तो इन सब चीज़ों पे ना हालर बना के इसको बनाएंगे ये पूरा एरिया। और कितना हटा, कहाँ पे आ रहा है बोल रहा है, इधर पे ना। हाँ, ये क्या कछुए के ऊपर बैठा है, ऐसा टाइप का बैठ गया, कछुए टाइप का बना दिया पूरा ये तो। तो ये भाई बाथरूम फिट लग गए, एक बाथरूम ये और दूसरा बाथरूम ये। अरे यही तो मैं भी पहले बोला था, चाइनीज में थोड़ी ना बोला था, पहले बड़ा वाला लगा लो करके, छोटा छोटा वाला पीछे में ये इधर अगल में लगाना करके बोला भी तो था। ऐसा गैपिंग रहेगा इधर पे, जो काम करना कर सकता है आराम। ये इंटेक है ना, और वो आउटलेट, इंटेक वाला पाइप ऐसे नीचे में गिरा के एल्बो के साथ में ना स्ट्रेट, उसमें टी लगेगा। तो ये कोई गाड़ी वाड़ी टकराएगा तो टूटेगा नहीं। अरे क्या भरोसा, चलो किसी ने रिवर्स कर दिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलेगा ना। अंदर में पूरा पानी गिर रहा है देखो, वो तो भाई बारिश हो रहा है और धूप भी निकला हुआ है और बारिश भी हो रहा है। बाकी कहीं रोड पे कहीं पे भी पानी नहीं गिर रहा, मतलब बारिश नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बारिश हो रहा है। देखो पूरा बारिश पे बारिश हो रहा है, हम लोग गीला ना हो बोल के अंदर आके खड़े हैं, ऐसा हालत है भाई। देखो अंदर में भी पानी आ गया, अब इस शीट को रिपेयर करना पड़ जाएगा। इतना ज़ोरदार पानी आ रहा है। तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए जियो ऑफिस, ये हमारे पीछे में है, जियो का ऑफिस है, मतलब स्टोर है, ऑफिस नहीं है, जियो स्टोर है। तो यहीं से अपन जो है ना इसको करवा रहे, मेरा फ़ोन का भी मैंने यहीं से करवाया था, उन लोगों ने पता नहीं क्या सेटिंग चेंज किया था, लेकिन उसका 5G तो अच्छे से चलने लग गया था। तो वही करवाएंगे प्रिया के फ़ोन में भी, जियो का 5G का क्या प्रॉब्लम है। तो भाई दुकान वाला बोलता है, स्टोर वाला बोलता है, भैया वो नेटवर्क का हम लोग कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए स्टोर में कुछ भी काम नहीं हो सकता, जो करवाना है उसको आपको उनका जो कॉल सेंटर है वहाँ पे कॉल करो और उसके बाद उनको बताओ करके। तो 5G हम यहाँ पे चला रहे हैं तो चल रहा है, अपने घर तरफ में चल नहीं रहा है। अब उस तरफ में चलाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो घर शिफ्ट कर ही रहे, तो अब नया घर तरफ जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पे कल अपन एक बार चला करके देखेंगे, नया वाले घर तरफ में एक बार चला के देखना आप। अगर 5G अच्छे से चल रहा है ना तो दिक्कत नहीं है, अपना तो वाईफाई तो लगेगा ही, साथ में ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, तो वो हो जाएगा काम। चलो भाई अब घर चलते हैं। भाई अचानक से बल्ब फ्यूज हो गया, ये देखो देख रहा है ऐसा जल रहा है, ये हालचाल चल रहा है भाई बल्ब का। ये देखो बंद कर दिया ना यहाँ से, फिर भी बल्ब कैसे दिख रहे, ऐसा हो गया तो बल्ब ख़राब। तो जाके लेके आ जाते अपन अभी बल्ब एक नया वाला, और रात हो गया भाई, अभी अगर बल्ब लेके आऊँगा नहीं ना तो फिर रात भर अगर किसी को जाना भी होगा बाथरूम में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसको खा, इसको खा, ये नहीं बल्ब नहीं खाना है, इसको खा। हाँ वो खा ले, तेरे को देता हूँ मुँह में, तू डाल के देता, खाता है इसको भी के मुँह में अगर रख के भी देंगे ना तो भी नहीं खाता है। लो भाई बल्ब लगा दूँ पहले, वरना अंधेरा कायम रहे, शाकाल वाला काम चलेगा इधर पे। तो ये हो गया 9 वाट का बल्ब, और ये हो गया कितना वाट का था भाई, 2018 का बल्ब है भाई, 2018 में लिया हुआ बल्ब है, अभी तक चल रहा है, 2023 तक चला, इससे ज़्यादा क्या इतना चलेगा, और HPL कंपनी का है, कितना वाट है भाई इसमें तो लिखा ही नहीं है। चलो आप देखो 9 वाट का बल्ब जल गया ना, आप जला बल्ब। चलो भाई हो गया बल्ब लगाने का काम, अब चलते हैं। सुबह देख रहा कैसे उसको भी दरवाजे के पास ही बैठा, बेटा इसको निकाल के खा जरा, वाह तू इसको नीचे एक तो डाल देते, तेरा मुंह में रख के दिया था और तूने नीचे डाल दिया, ले उसमें से खा। तेरे को जब प्लेट में कोई चीज़ देता हूँ ना स्कूबू तो प्लेट से खाएगा, जिम्मी तेरा नहीं है, वो तेरा नहीं है,